नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल में सत्येंद्र ज्ञान संसार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, एनिमल किंगडम के अंतर्गत आज हम फाइलम टीनोफोरा का डिस्कस करने वाले हैं। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सीलेंट्रेटा का डिस्कशन किया था, जिसमें हमने आपसे क्वेश्चन भी पूछे थे और जिसके आपने आंसर भी दिए थे, कुछ लोगों ने नहीं भी दिए थे। तो आज हम चलिए शुरू करते हैं किसी विदाउट बेस्ट एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। देखिए, जो टीनोफेरा हैं इनको हम सी वॉलनट्स या कॉम जेली भी बोलते हैं। सी वॉलनट्स या कॉम जेलीज, यानी कि टीनोफोरा कॉमनली नॉन एज सी वॉलनट्स और कॉम जेली। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, देखिए, ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, यानी कि समुद्रवासी होते हैं, रेडियली सिमेट्री होते हैं और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी ये एक्सक्लूसिवली मैराइन हैं, रेडियली सिमेट्रिकली होते हैं ये एनिमल्स, डिप्लोब्लास्टिक हैं ये ऑर्गेनिजम्स हैं, और इनमें जो टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री और डिप्लोब्लास्टिक हमने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था, ठीक है। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि एनी प्लेन पासिस थ्रू सेंटर एक्सिस ऑफ द बॉडी, यानी कि इनको किसी भी प्लेन से जो कि सेंटर एक्सिस से पासिस होते हैं, किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा, जो कोई भी केंद्रीय अक्ष है उससे गुजरने वाली रेखा, प्राणी जो एनिमल्स हैं उसके शरीर को दो समरूप भागों में, टू आइडेंटिकल हाफ पार्ट में डिवाइड करती है, उसे हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। यानी कि किसी भी केंद्रीय अक्ष से जो गुजरने वाली रेखा है प्राणी के शरीर को दो भागों में, दो समरूप भागों में बांट देती है, उसे हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। यानी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इंटू टू इक्वल हाफ्स पासिस थ्रू एनी प्लेन ऑफ द सेंटर एक्सिस ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। फिर डिप्लोब्लास्टिक बताया था, डिप्लोब्लास्टिक में क्या है कि डिप्लोब्लास्टिक में जो जो थर्ड, यानी कि जो डिप्लोब्लास्टिक के अंतर्गत क्या होता है, जो एक्सटर्नल होता है, यानी कि सेल्स जो होती हैं एक एक्सटर्नल होती हैं और इंटरनल, इस तरीके से जो सेल्स हैं वो इंटरनल होती हैं, उनको मैक्टोडर्म और इंडोडर्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो क्या है, जो अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर जो होती है, मीसोग्लिया पाई जाती है एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में, ठीक है। जो एक्टोडर्म है और इंडोडर्म है उनके बीच में जो अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर पाई जाती है उसको हम मीसोग्लिया बोलते हैं, ये यहाँ पे पाई जाती है। तो यही जो प्रोसेस है, यही जो प्रक्रिया है, इसको मैं डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन बोलते हैं, यानी कि एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर, यानी कि सेल्स जो होती हैं दो एम्ब्रियोनिक लेयर में, इस प्रकार से जो एक्सटर्नल होता है उसको एक्टोडर्म और इंटरनल होता है उसको एंडोडर्म बोलते हैं। यही जो प्रक्रिया है, यही जो कंडीशन है, इसको हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। और ये सीलेंट्रेट में और आपके टीनोफोरा में ये पाया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इनमें जो अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर होती है जिसको मीसोग्लिया बोलते हैं, वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है। ये कंडीशन क्या होती है, डिप्लोब्लास्टिक। और डिप्लोब्लास्टिक हमने आपको बताया था क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक में जो डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसमें थर्ड जो जर्मिनल लेयर होती है जिसको मीजोडर्म बोलते हैं, तो वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मीजोडर्म। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। चलिए फ्रेंड्स, ये चीज़ें तो मैं सारी चीज़ें आपको बता ही चुका था पिछले वीडियो लेक्चर्स में, तो एक बार रिवीजन करवा दिया है आपका मैंने यहाँ पे। तो हम बात कर रहे हैं टीनोफोरा की, जिसको हम सी वॉलनट और कॉम जेली भी बोलते हैं। एक्सक्लूसिवली मैरान होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन पाई जाती है और टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है फाइलम टीनोफोरा में। अब बॉडी पियर्स इनमें एट जो होते हैं एक्सटर्नल, जो एट एक्सटर्नल रोज होती हैं सिलिएटेड, यानी कि दे बियर्स, यानी जो टीनोफोरा होते हैं। देखिए, टीनोफोरा के अंतर्गत कौन कौन से एनिमल्स आएंगे, प्लूरोबैंकिया है और टीनोप्लेना है। कौन कौन से एनिमल्स होंगे, प्लूरोबैंकिया और टीनोप्लेना। तो देखिए, जो बॉडी बियर्स, यानी बॉडी में क्या होता है, एट सिलिएटेड, यानी एट एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, ठीक है।
कॉम प्लेट्स होती हैं, 8 सिलिएटेड रोज होते हैं कॉम प्लेट्स के, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं मूवमेंट में, यानी कि चलन में सहायता करती हैं, यानी कि शरीर में जो ये 8 सिलिएटेड रोज है जिनको कॉम प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं इनके लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। फिर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो है बायो ल्यूमिनी सेंस। बायो ल्यूमिनी सेंस का मतलब होता है यहाँ पे प्राणी के शरीर में के द्वारा जो प्रकाश प्रकाश उत्सर्जन करने की क्षमता होती है, बायो ल्यूमिनेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइफ, इमिट लाइट, यानी कि लाइट को इमिट करने की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हम बायो ल्यूमिनेसेंस बोलते हैं, टू इमिट द प्रॉपर्टी टू इमिट द लाइट, ये इनका जो फीचर्स होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में कि बायो ल्यूमिनेंस जो होती है किस फाइलम के अंतर्गत होता है और किस एनिमल्स में होता है, तो फाइलम आपका टिनोफोरा हो जाएगा और एनिमल्स प्लूरोबैंकिया और टिनोप्लाना हो जाएंगे। बायोल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी होती है द प्रॉपर्टी टू इमिट द लाइट, ठीक है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस जो होते हैं वो सेक्सेस यहाँ पे जो जो नर और मादा अलग अलग नहीं होते हैं, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, जनन केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ओनली, रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाई सेक्सुअल मीन्स एक्सटर्नल, जो फर्टिलाइजेशन होता है कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। चलिए तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिएगा, ज़रूर डिसलाइक कीजिएगा। और फ्रेंड्स आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो आपको आंसर देना है, आंसर ये देना है कि टिनोफोरा में जो प्रॉपर्टी होती है जो लाइट इमिट करने की, लाइट इमिट करने की वो प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहलाती है, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इनको किस किस दूसरे नाम से भी जानते हैं ये बताना, और तीसरा क्वेश्चन है कि टिनोफोरा के अंतर्गत जो एनिमल्स आते हैं उनके आपको नाम बताना है। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, एक बार रिवीजन करवा देते हैं, इसमें क्या है कि जो सी वॉलनट्स और कॉम जेली बोलते हैं, ठीक है, रेडियल सेमेट्री होती है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैरान होते हैं, और एक्सटर्नल रोज होती है जिसको हम कॉम प्लेट्स बोलते हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। पूछा जाए एग्जाम में कि लोकोमोशन हेल्प कॉम करते हैं तो कॉम प्लेट्स जो होते हैं वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। बायोल्यूमिनेंस जो प्रॉपर्टी पाई जाती है, और सेक्सेस आर नॉट सेपरेट होते हैं यानी कि फीमेल और मेल अलग अलग नहीं होते हैं, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, और एनिमल्स इसके अंदर का प्लूरोबैंकिया और टिनोफोरा आ जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका दिन शुभ रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।